रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी के बारे में। तो जो बच्चे किसी भी रूप में पिछली वैकेंसी में असफल हुए हैं, चाहे रिटर्न एग्जाम में, चाहे फिजिकल में, चाहे फाइनल मेरिट में, चाहे मेडिकल में, उन बच्चों के लिए भी आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो बच्चे नई तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, जिनका प्लान है दिल्ली पुलिस में ही जाने का, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि नई वैकेंसी 2024 में आने वाली है, जिसकी मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ में पिछली वैकेंसी के अंदर जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसमें जो कट ऑफ आपकी रही है कैटेगरी वाइज, कितने नंबर का आपको प्लान करना है, इस बार क्या कट ऑफ रही है, वो सारी चीजें भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रिटर्न एग्जाम फिजिकल दोनों तैयारी करने के लिए। और जो नियमित स्टूडेंट है वो पूरा देखिए, तो हो सकता है कि आपको भी इसका फायदा मिल सके। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होती है, किसी प्रकार के परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ मेल कैंडिडेट को एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जो फोर व्हीलर का लाइट लाइसेंस होता है वो होना चाहिए। तो वो जिसके पास नहीं है वो अभी से बनवा ले अगर आपका सपना दिल्ली पुलिस में जाने का है। बेटियों के लिए ये लागू नहीं होगा। हाइट पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर होती है, एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट होती है। बेटियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, और एससी और एसटी दोनों कैटेगरी की जो बेटियां हैं उनको 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलती है, यानी कि 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। एज है वो 18 से 25 साल तक होती है। एज की गणना कब की जाएगी, ये नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। 18 से 25 के बाद एससी और एसटी कैटेगरी को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलती है, और ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट मिलती है। अब इसके बाद जिनका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, तो उनको पूरा प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस में क्या होगा। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना है वैकेंसी आते ही, उसके बाद में रिटर्न एग्जाम होगा जो 100 अंकों का होता है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है और 1.5 घंटे का, इसमें 90 मिनट का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। रिटर्न एग्जाम के बाद 12 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल किया जाता है। फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसमें हाइट चेस्ट वेट देखा जाता है, और 3-3 इवेंट होते हैं। पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़, 6 मिनट का टाइम होगा, 14 फीट का लॉन्ग जंप और 4.5 फीट का हाई जंप होगा। बेटियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, 8 मिनट का टाइम होगा, 10 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप है। ये करने के बाद में फिर फाइनल एक मेरिट बनती है, और उसके बाद नॉर्मल सा मेडिकल होता है। इस बार मेडिकल पैरामिलिट्री यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी यहां करवाया गया, जिससे बच्चों को थोड़ी सी असुविधाएं हुई है। तो ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ये कुछ भी चेंज कई बार हो भी जाते हैं, कुछ करा भी लिया जाता है, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल्स में होता है मेडिकल, तो वहां इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं जो दिक्कतें इस बार बच्चों को फेस करनी पड़ी है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन था 2023 में जो वैकेंसी थी ये कब निकली, और कितने कम टाइम के अंदर ये कंप्लीट हो चुकी है। कम समय के कारण काफी बच्चों को बीच बीच में निराश होना पड़ा। रिटर्न एग्जाम इतना फास्ट करवाया गया, उसके बाद फिजिकल उससे भी जल्दी करवाया गया, इस वजह से काफी बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनका सपना था दिल्ली पुलिस में जाने का, उनको निराश होना पड़ा है। हो सकता है कुछ बच्चे उसमें से ओवर एज भी हो जाए, लेकिन जो ओवर एज नहीं है उनके लिए दूसरा मौका इसी साल 2024 में आपको मिल सकता है, ये पूरी संभावनाएं बन रही है। और ये लगभग 5000 के आसपास पोस्ट हो सकती है, और ये सूचनाएं लगभग कई सोर्सों से पता की जा चुकी है, तो लगभग फाइनल है, आप अपनी तैयारी का प्लान कर सकते हैं। साथ में बेटा, जब तक आप बेरोजगार हैं तब तक एक ही वैकेंसी के पीछे नहीं रहे। अगर ये वैकेंसी किसी वजह से डिले भी होती है तो आपकी वो तैयारी जरूर काम आने वाली है, चाहे एसएससी जीडी के रूप में, चाहे आरपीएफ के रूप में, जिनका सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। तो अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको तैयारी अपनी फटाफट शुरू कर देनी है। आप जिस लेवल में भी पिछली बार अगर असफल हुए हैं तो उस कमी को पहचानिए और उस पर अपना अभी से काम शुरू कर दीजिए। तो ये वैकेंसी सबसे पहले 7547 पोस्ट के लिए थी, बहुत बड़ी वैकेंसी थी इस बार। इसके बाद इसका नोटिफिकेशन है वो 1 सितंबर 2023 को जारी हुआ। उसके बाद इसका जो रिटर्न एग्जाम है वो 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक करवाया गया।
एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर को आउट हो गया, यानी कि देखिए यहां से देखेंगे अपन तो 27-28 दिन के अंदर रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ गया। फिजिकल के लिए जो कॉल हुआ वो लगभग 86,000 बच्चों का हुआ और ये फिजिकल करवाया गया 13 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक। यहां रिजल्ट 31 दिसंबर को आया, 13 दिन के बाद फिजिकल के लिए कॉल हो गया और फिजिकल 13 दिन के बाद शुरू भी हो गई। कितना कम टाइम बच्चों को मिला जिससे काफी बच्चों को निराश होना पड़ा। इसी तरह से नोटिफिकेशन आया सितंबर के अंदर और एग्जाम करा लिया गया नवंबर के अंदर, 2 महीने का भी टाइम नहीं मिला। तो इसी तरह से आगे भी आने वाला नोटिफिकेशन हो सकता है इसी स्पीड से पूरा करवाया जाए तो उसके बाद में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप दोनों तैयारी अपनी कर सके। और सेम रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल भी 15 दिन के अंदर करवा लिया गया। तो अगर दिल्ली पुलिस का सपना है तो दोनों तैयारी आप एक साथ करिए, लिखित और फिजिकल, जिसके दोनों के बैच रिम डिफेंस एकेडमी में शुरू हो चुके हैं, जहां आप कंप्लीट तैयारी अपनी रिटर्न की भी और फिजिकल की भी। हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। जो फिजिकल के अंदर प्रेजेंट हुए वो सिर्फ 53,000 बच्चे प्रेजेंट हुए, 86,000 में से 53,000 यानी 1/3 बच्चे जो फिजिकल देने नहीं गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो थोड़ा सा टफ माना जाता है। लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 14 फीट थोड़ा सा ज्यादा है। रनिंग का जो टाइम है वो भी कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता, 6 मिनट में रनिंग और 8 मिनट में बेटियों के लिए, तो ये थोड़ा सा टफ है और इसमें समय लगता है। तो जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई, जिन बच्चों ने लापरवाही की वजह से अगर चोट लगवा ली तो वो बच्चे फिजिकल देने के लिए नहीं जा पाते हैं। 32,178 टोटल इसमें से बाहर रहे जो अनुपस्थित रहे फिजिकल देने में। और फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ होता है, जिसमें सिर्फ 8,883 बच्चे पास हुए, यानी कि जो 53,000 थे उनमें से 9,000 बच्चे ही हैं जो फिजिकल के अंदर पास हो पाए, लगभग 10% के आसपास ही आंकड़ा रहा टोटल रिटर्न एग्जाम पास करने वालों का। अगर हम देखें तो कितना मुश्किल है फिजिकल वो आपको यहां से पता चलता है। रिटर्न एग्जाम में हमने बहुत मेहनत की, रिटर्न एग्जाम में बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिजिकल की जो लापरवाही है वो कितने बच्चों को निराश कर गई। इसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट आउट हुआ वो 24 जनवरी को आउट होता है और उसमें शॉर्ट लिस्ट किए जो कैंडिडेट हैं वो 6,976 हैं, जिसमें से काफी बच्चे अभी मेडिकल में भी अनफिट हैं लेकिन उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो वैकेंसी खाली रह रही है, साथ में जिन बच्चों का मेडिकल पास हो गया है, जिन बच्चों का रिटर्न फिजिकल दोनों तीनों पास हो गए हैं और उनका अगर इस लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपके लिए 15% की एक रिजर्व लिस्ट का प्रावधान है जो SSC दिल्ली पुलिस को बना के देती है और वो जो वैकेंसी खाली रहेंगी 15% लोगों को और मौका मिल सकता है। अब हम देख लेते हैं एक बार कि रिटर्न एग्जाम की और फाइनल की कट ऑफ क्या रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे तैयारी का प्लान क्या करना है, कितना प्लान करना है। तो यहां देखिए लिखित और फाइनल की जो कट ऑफ है वो यहां मैंने दोनों की एक साथ बताई है। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए पहले बता देता हूं, EWS के अंदर 60 रही है, रिटर्न एग्जाम के अंदर 100 में से 60 नंबर वाले को फिजिकल के लिए कॉल किया गया और 61 वाले का फाइनल सिलेक्शन हो गया। एक ही नंबर सिर्फ कट ऑफ बढ़ी है क्योंकि बच्चे मिले ही नहीं कैटेगरी वाइज जो फिजिकल पास कर पाए। SC कैटेगरी के लिए 57 रिटर्न एग्जाम में मेल कैंडिडेट के लिए और फाइनल रही है 58। ST कैटेगरी के लिए 58 ही रिटर्न एग्जाम के अंदर और 58 वाले का ही फाइनल सिलेक्शन हो गया, यानी कि सबका सिलेक्शन हो गया जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया। OBC के लिए 66 रही है और 67 रही है फाइनल जो कट ऑफ बनी है वो। इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी की 65 रही है रिटर्न एग्जाम के लिए और 68 रही है फाइनल। इसमें मैंने पॉइंट्स को शामिल नहीं किया है, दशमलव को मैंने छोड़ दिया है। अब इसके बाद देखते हैं फीमेल के लिए, बेटियों के लिए। EWS कैटेगरी कट ऑफ थी 48, जो थोड़ी सी बढ़ी है 53, क्योंकि बेटियों को थोड़ा सा 5 दिन का टाइम और ज्यादा मिल गया और जिस वजह से उनका जो पास होने का परसेंटेज था वो थोड़ा सा बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ कट ऑफ भी थोड़ी सी बढ़ गई। इसके बाद SC कैटेगरी के अंदर 46, यहां भी 46 रही है फाइनल में भी। ST कैटेगरी के अंदर 44 और ये थोड़ी सी बढ़ गई 53। OBC कैटेगरी के लिए 55 रही है बेटियों के लिए और ये भी बढ़ गई 60 तक पहुंच गई। और इसी तरह से अनरिजर्व में 55 और ये बढ़ के 61 हो गई। साथ में एक्स सर्विसमैन जो भाई है उनके लिए एग्जाम में 25 था, फाइनल भी 25 वाले का हो गया। EWS कैटेगरी के लिए SC कैटेगरी में 25 था, 25 में ही फाइनल हो गया। ST कैटेगरी के लिए 25 था और ये थोड़ा सा बढ़ गया 29 हो गया। OBC कैटेगरी के लिए 45 था रिटर्न में, ये 54 हो गया। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 नंबर वाले का था, ये 41 हो गया। तो ये थी कट ऑफ जो हमने देख ली अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछले बैच की। अब आप अपना प्लान कर लीजिए कि मुझे
कौन सी मेरी कैटेगरी है और मुझे कितने नंबर की तैयारी करनी है। रिटर्न एग्जाम फिजिकल दोनों तैयारी एक साथ करने के लिए रिम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। बैचेज लगातार चल रहे हैं। अब अगर आपको इसके बारे में और कोई डाउट रह गया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर एकेडमी का एक जो नंबर दिख रहा है आपको इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर और भी कोई डाउट आपका है, अगर आप विजिट करना चाहते हैं एकेडमी, तो किसी भी समय आप विजिट करने के लिए आ सकते हैं पेरेंट्स के साथ। पूरी तैयारी आप डिफेंस की दूसरी भी यहां आके कर सकते हैं। अकेला दिल्ली पुलिस नहीं, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस एएसआई, इसके अलावा एसएससी जीडी जिसकी एक वैकेंसी अभी अगस्त में और आने वाली है नई वैकेंसी, आरएसी या आरआईएसएफ की वैकेंसी की तैयारी करने वाले, या फिर जो यूपी पुलिस का फिजिकल करने वाले, या फिर हरियाणा पुलिस के अंदर फिजिकल तैयारी करने वाले, या दिल्ली जेल वार्डर की तैयारी करने वाले, किसी भी डिफेंस की रिटर्न एग्जाम या फिजिकल की तैयारी आप रिम डिफेंस अकेडमी के साथ कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।